नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं डेढ़ साल पहले हुए झिंझर कांड के फैसले की। जी हां, उज्जैन में डेढ़ साल पहले झिंझर कांड में निलंबित दो तात्कालीन अधिकारियों को आईजी उज्जैन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी है। जहरीली शराब के इस कांड में 12 लोगों की जान गई थी। अन्य दो पुलिसकर्मियों का फैसला भी जल्द होने वाला है। उज्जैन में करीब 15 महीने पहले हुआ बहुचर्चित झिंझर कांड एक बार फिर चर्चा में है। वजह है मामले में पुलिसकर्मियों पर चल रही जांच का फैसला। प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक संतोष सिंह ने निलंबित तात्कालीन खाराकुआ थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा और उप निरीक्षक निरंजन शर्मा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। याद रहे झिंझर कांड में झिंझर पीने से शहर में एक दर्जन मजदूर व भिक्षुकों की मौत हुई थी। 14-15 अक्टूबर 2020 को छतरी चौक पर झिंझर पीने से 12 मजदूर व भिक्षुकों की मौत हो गई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तुरंत एसआईटी की टीम गठित करते हुए जांच की कार्रवाई करवाई, जिसमें खाराकुआ थाने में 3 पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मचारी और केमिकल सप्लायर सहित 16 लोगों को जेल भेजा गया था। वहीं तात्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एएसपी रुपेश कुमार द्विवेदी को पुलिस मुख्यालय भेज दिया था और तत्कालीन कोतवाली सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप, खाराकुआ थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा, एसआई निरंजन, एसआई रामस्वरूप गोमे, प्रधान आरक्षक गोपाल सिंह बैस, आरक्षक पंकज भदौरिया को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। टीआई मनोहर लाल मीणा एवं एसआई निरंजन शर्मा के मामले में चार्जशीट में लगे आरोपों पर सुनवाई के बाद आईजी संतोष सिंह ने दोनों को कार्य निर्वाहन ठीक से नहीं करने का दोषी सिद्ध पाते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। निरीक्षक स्तर के अधिकारी और एक उप निरीक्षक जिनकी विभागीय जांच प्रचलित थी वो पूर्ण होकर मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई। इसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन दोनों लोगों को सेवा से बाध्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिनमें उनको जब चार्जशीट दी गई थी तो उनकी लापरवाही और अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखने इत्यादि के चार्जेस थे और उनको सिद्ध करके समक्ष में रखा गया था, तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की गई। जैसा मैंने बताया कि मेरे कार्यालय से संबंधित विभागीय जांच थी, जिसका हम लोगों ने निराकरण कर दिया है और मुझे लगता है कि कुछ एक और उसमें होंगी, तो जो अधीनस्थ कार्यालय में मुझे लगता है पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में वो पेंडिंग होंगी, तो उसमें भी वो त्वरित निर्णय करें, ये उनको बताया गया है और उनके द्वारा भी ये कार्रवाई जल्द ही जल्द और निश्चित समय सीमा में कर दी जाएगी।